हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की टांगों में होने वाले दर्द के बारे में। इनको ग्रोइंग पेन्स भी बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बच्चे शाम या रात के टाइम पे टांगों में दर्द की कंप्लेन करते हैं, आपको कहते हैं कि उनकी टांगें दबाएँ, और कई बार रात को भी रोते रोते उठते हैं क्योंकि उनकी टांगों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। एज़ पेरेंट्स हम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये दर्द क्यों हो रहा होगा। वेल, साइंस ये कहता है कि इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट इसको एक टर्म दिया गया है, ग्रोइंग पेन्स, जिसका एक्चुअल में ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। मुझे याद है जब कबीर को फर्स्ट टाइम ये पेन हुआ था तो किसी ने मुझे कहा था कि उसकी हाइट बढ़ रही है, इस वजह से उसे ये पेन्स हो रही होंगी, बट डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कोई लिंक नहीं निकाला गया है एज पर द स्टडीज। ग्रोइंग पेन्स बहुत कॉमन पेन्स हैं जो बच्चों की टांगों में, स्पेशली ये जो काफ मसल होते हैं और नीचे की टांगें जो होती हैं घोड़े से नीचे, उसमें देखा जाता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है। तो लेट दोपहर, शाम या रात के टाइम में आप इन पेन्स को देखोगे, और जब बच्चा सुबह सो के उठता है तो ये पेन जा चुकी होती है। ये पेन कंसिस्टेंट नहीं होती है, कई बार ये ऐसा नहीं होगा कि रोज बच्चे को इस पेन की प्रॉब्लम हो रही है, बट हाँ, ऑन एंड ऑफ हफ्ते में 2-3 बार बच्चा इसके बारे में कंप्लेंट कर रहा है। हर हफ्ते कभी कभी बच्चे को ये पेन्स आ रही हैं, तो फ्रीक्वेंटली ये पेन्स आपको सुनने को मिलती हैं बच्चों से। ये जो पेन्स होती हैं ये बहुत कॉमन होती हैं। इनफैक्ट 25-40% बच्चे जो 3-5 ईयर एज ग्रुप में होते हैं इसको एक्सपीरियंस करते हैं, एंड देन अगेन ये 8-10 ईयर के बीच में बच्चों में आती हैं, कई बार उस बीच में भी रहती हैं, बट ये दोनों सबसे कॉमन एज ग्रुप्स हैं जहाँ पे इन ग्रोइंग पेन्स को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया है। ग्रोइंग पेन्स अपने आप ही जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है ठीक हो जाती हैं। जितना इसके ऊपर रिसर्च किया गया है उससे ये पता चला है कि वन ऑफ द की रीजंस जिसकी वजह से ये पेन हो रही हो सकती है वो होता है ओवर यूज ऑफ लेग मसल, यानी जो टांगों के मसल्स हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चों की लेग्स में ये पेन होती है। अब हम टांगों के मसल्स को कब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे टिपिकली अगर एक बच्चे का बहुत ही एथलेटिक डे हुआ है या ऐसा कोई दिन गया जहाँ उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है, तब आप इन पेन्स को ज़्यादातर बच्चों में एक्सपीरियंस करोगे। स्पेशली अभी के टाइम्स आप देख सकते हो बच्चे इतने टाइम से घर के अंदर हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे ज़्यादा खेलेंगे, कूदेंगे, स्विंग्स पे जाएंगे, मस्ती करेंगे, हो सकता है कि इसकी वजह से उनको ये पेन्स आ जाएं, या घर पे ही रह के बच्चे बहुत ज़्यादा बेड पे जंप करते हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उस वजह से भी उनको ये पेन्स आ सकती है, या फिर बच्चा उस दिन बहुत ज़्यादा खेला है उसकी वजह से भी ये पेन आ सकती है। एज़ पेरेंट्स कभी कभी हम बच्चे की एज की वजह से उनके प्ले टाइम को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अरे एक ही घंटा तो पार्क में खेला है, इसकी वजह से पेन्स क्यों आएगा, बट किस तरीके की एक्टिविटी करी है, कितने टाइम बाद बच्चे ने वो एक्टिविटी करी है, उस वजह से उसके जो लेग मसल्स हैं वो डेफिनेटली टायर्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ये पेन्स आ रही हो सकती हैं। ये सबसे कॉमन रीज़न है। और दूसरा रीज़न देखा गया है जिन बच्चों में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनको इस तरह की पेन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती हैं। कई बार ये बॉडी में हाइड्रेशन की कमी की वजह से भी होता है, बट देन दैट्स अगेन नॉट अ वेरी कॉमन रीज़न। टिपिकली जो पहले दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो देखा गया है। अब बात करते हैं कि अगर इस तरीके की पेन्स आपके बच्चे को आ रहे हैं तो आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे बेटे के साथ खुद ऐसा होता है कि कई बार रात को वो हमें बोलता है कि मेरी टांगे प्रेस करो, उसको नींद नहीं आती जब तक उसकी टांगों को अच्छी तरीके से प्रेस ना किया जाए। और एक आधी बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि उसको इतनी पेन हुई है कि वो बहुत रोया है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स गाइडेंस हम कुछ चीज़ें करते हैं। सबसे पहला डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है कि आप रोज़ रात को उसे एक हल्के गर्म तेल की मालिश किया कीजिए पैरों में, उससे उसके जो भी टायर्डनेस है लेग मसल्स की वो सारी निकल जाएगी। ये तो हम भी मानते हैं कि मसल्स को आराम देने के लिए मालिश एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप एक हॉट कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे एक टावल लिया, टावल को आपने गर्म पानी के अंडर डाला, उसको अच्छे से निचोड़ लिया, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए कि बच्चे की स्किन जल जाए, और उस पे उस टावल से आपने बच्चे की जो टांग है जहाँ उसे पेन हो रही है वहाँ पे उसको सेक किया। इससे भी कबीर को बहुत बार आराम मिला, स्पेशली रात के टाइम जब उसको रोना आ रहा होता है तो उसको जब ऐसे करो तो वो ठीक हो जाता है। तीसरा है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि उसकी टांगों में
बहुत ही दर्द हो रहा है, सो भी नहीं पा रहा है, दोनों चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है, तब आप एक SOS बेस पे बच्चे को एक पेन रिलीवर मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन का नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही लीजिएगा, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स एज। एंड देन आप बच्चों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे खेलने जाते हैं उससे पहले अच्छा है कि अगर उनके मसल्स वगैरह थोड़े से अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाएं। जैसे हमें बोला जाता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करो, बॉडी को खोलो ताकि बॉडी को झटका ना लगे, वैसा ही बच्चों के साथ आप भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लास्टली मैं आपको ये बोलूंगी, अगर इन सब तरीकों से आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो इट इज़ बेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। हो सकता है कि आपके बच्चे में कोई विटामिन की डिफिशियंसी हो जो डॉक्टर्स असेस करके रूल आउट कर सकते हैं और एक विटामिन का आपके बच्चे को कोर्स करा सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच अंदर से ही ये डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। ये बहुत सिंपल टिप्स हैं गाइज, और ये सारे हमने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, इनसे हमारे बच्चे को आराम मिला है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, मैं भी कई बार डर जाती थी कि कोई सीरियस बात तो नहीं है, कोई अंडरलाइन कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये पेन आ रही है। तो अगर ये सारे साइंस आपको बच्चे में नहीं देखने को मिल रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। पहला, बच्चों की टांगों में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई रेड रैशेज या किसी भी तरीके के रैशेज नहीं होने चाहिए। तीसरा, फीवर नहीं आना चाहिए। चौथा, लंगड़ा नहीं रहा है बच्चा, लिम्प करके नहीं वॉक कर रहा है, वॉक बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा है। पाँचवा, कोई अनयूजुअल बिहेवियर आपको बच्चे का देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रोइंग पेन्स हैं जो बच्चे एज के साथ आउटग्रो करेंगे। थोड़ा सा आप उन्हें सपोर्ट करेंगे जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, तो उसके साथ ये प्रोसेस उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बट लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि बच्चों के साथ किसी भी चीज़ का पता नहीं होता है। अगर आपको हल्का सा भी मन में डाउट है तो जस्ट स्पीक विद योर डॉक्टर, आपको उससे काफ़ी तसल्ली भी मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी, करी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिल सकें, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एवरीवन।